मैं सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किसानों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। राशन पानी के साथ किसान ट्रैक्टर लेकर और पैदल ही दिल्ली की तरफ चल पड़े हैं। किसान संगठनों ने लालडू, शंभू, पटियाला, पिहोवा, पंतरा, खनौनी, मुनक, रोहना, रतिया, फतेहाबाद और तलवंडी सिरसा मार्गों से दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए कहा था और सभी सीमाओं पर ये किसान पहुंच गए और तनाव बरकरार है। सिंधु बॉर्डर पर भी पहुंचे किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी की गई। पुलिस बल किसानों को रोकने की पूरी कोशिश करती रही मगर किसान आंदोलन उग्र हो गया। कभी किसान पुलिस को दौड़ाते नजर आए तो कभी पुलिस किसान को दौड़ाते हुए नजर आई। पुलिस आंसू गैस के गोले दागते रहे और किसान अपनी हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते रहे। कैसे उग्र हुआ ये आंदोलन, देखिए ये तस्वीरें। अटकी पाचन पुलिस पुलिस पाचन अटकी हरियाणा पुलिस है पुलिस पाचन अटकी फोन पहले उसे उसे पहले लगा रखे हरियाणा पुलिस वो बात की वो छोड़ दिया सुरेश निकल कितना है घेर दिया बैरिकेटिंग है बैरिकेटिंग घेर दिया घेर दी मैंने कही थी ना बिना मानना सुरेश को बोला नहीं तोड़ दी बैरिकेटिंग हरियाणा पुलिस खड़ी है अभी अटकी पाचन पुलिस पुलिस पाचन अटकी हरियाणा पुलिस है पुलिस पाचन अटकी फोन पहले उसे उसे पहले लगा रखे हरियाणा पुलिस वो बात की वो छोड़ दिया सुरेश निकल कितना है घेर दिया बैरिकेटिंग है बैरिकेटिंग घेर दिया घेर दी मैंने कही थी ना बिना मानना सुरेश को बोला नहीं तोड़ दी बैरिकेटिंग सन्नी ब्रेक
पुलिस वाले को ऊपर चढ़ा दिया होता, बच गया वो।